हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम आपको अपने सिम्बा से मिलाएंगे। तो ये हमारा सिम्बा, क्यूट डॉग सिम्बा। अभी ये केवल 2 मंथ 10 डेज़ का है, 17 डेज़ का हो गया है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जर्मन शेफर्ड डॉग नहीं पालना चाहिए, जर्मन शेफर्ड बहुत एग्रेसिव होते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि हमारा उसकी भी अभी आपको ये देखिए, हमारा एक डॉग है, ये ब्लैक जर्मन शेफर्ड था, इसको जेट ब्लैक जर्मन शेफर्ड कहते हैं। और ये जर्मन शेफर्ड अभी हमने डबल कोट जर्मन शेफर्ड पाला है, क्योंकि हमें जेट ब्लैक नहीं मिल पाया था। और जो पुराना हमारा जर्मन शेफर्ड था वो करीबन 10 साल हमारे साथ रहा और बहुत ही ज़्यादा बातें मानता था। उसको जैसा भी इंस्ट्रक्शन दो वो सारे फॉलो करता था। बट उसको कैंसर हो गया था सर, इसकी वजह से अब हमें दूसरा डॉग लेना पड़ा। पर ये जर्मन शेफर्ड भी बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है और बहुत बातें मानता है। पर आप देखिए, अगर आपको डॉग पालना है तो किसी भी चैनल में बताई हुई चीज़ों में को देखिए, वहाँ पास से भी आपको जानकारी मिलती है। पर मेन जानकारी ये है कि 0 से 3 मंथ तक डॉग को कोशिश करिए कि आप अपने पास रखिए। जैसे ये वाला डॉग जो है, इसका नाम है सिम्बा, तो इसको अभी हम 0 से 3 मंथ अपने पास इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये प्रॉपर सोशलाइज्ड हो जाए। और इसको सिखा रहे हैं हम लोग कि बाहर, जैसे अभी ये यहाँ पास जाके बाहर लेटरिन बाथरूम करता है, यहाँ इसको बार बार सिखाया जाता है। देखिए यहाँ पर इसकी काफ़ी यूरिन वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं और यहाँ पास आके वो डॉगी बार बार अपने पोटी करता है। और ये बार बार सिखाने की ज़रूरत अभी शुरुआती दिनों में पड़ेगी। रात में हम इसे अपने पास नहीं सुलाते हैं, रात में हमने एक कूलर लगा के रखा है ये, और यहाँ पास ये सोता है, यहीं इसका हम खाना रख देते हैं। और अभी धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इसको एसी में रख रहे हैं। तो सिम्बा नाम का ये डॉग है हमारा, तो इसको प्रॉपर सोशलाइज करने के लिए अपन इसको अपने पास रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्यार करें। ये बहुत ज़्यादा प्यार मांगते हैं, इनको अगर आप खिलाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब अपन इसको खिलाते हैं तो जैसे ये अपन इसके मुंह में अभी उंगली डालेंगे तो ये देखिए काट रहा है ना, इसको बोलेंगे ए सिम्बा छोड़ो छोड़ो, ये देखिए छोड़ दिया। तो अपन इसको टोकना है, इसको मारना नहीं है। डॉगी को कभी मारा नहीं जाता, नहीं तो इनमें बचपन से एक अग्रेशन आ जाता है कि हमें हमें कोई प्यार नहीं करता है। ये बहुत ज़्यादा वैसे होते हैं कि अगर इनको मारेंगे तो फिर बड़े होकर अग्रेसिव होते हैं। और आपके कोई फैमिली मेम्बर्स आता है या फिर कोई गेस्ट आता है तो इसको ये कभी कभार ये हमला कर देते हैं। तो हाँ, बात सही है कि जर्मन शेफर्ड बहुत अग्रेसिव होते हैं और मालिक के ऊपर तो देखा गया है कि हमला नहीं करते हैं, बट ये है कि दूसरों के ऊपर हमला कर देते हैं। पर अपन इसको प्रॉपर सोशलाइज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको मैं और मेरी वाइफ दोनों ही इसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं। 3 मंथ तक ये हमारे पास रहेगा। और जैसे अभी इस पर हाथ फेर रहा हूँ तो ये मुझे कुछ नहीं कर रहा है, जान मुझ के मैं इसके यहाँ मुँह में हाथ डालूंगा तो ये मेरे को थोड़ा सा जैसे इसको आदत पड़ी हुई है कि चबाने की, तो ये थोड़ा सा दबाता है। फिर भी ये देखिए मेरा अपने आप ही मुँह से हाथ निकाल रहा है। बच्चों से ही आपको सिखाना पड़ेगा कि ये कैसा इसको केयर करना है। ये इसकी बोन दी है, ये अपनी बोन को चबाता रहता है। लो सिम्बा लो, ये देखिए ये अपनी बोन को चबाता रहता है, शाबाज। और यहीं पास में हमने इनका मैंने फूड का रखा हुआ है, यहाँ पानी है और इसका खाना है। और जर्मन शेफर्ड में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप प्रॉपर इसको प्रोटीन दें, जिसके कारण इसकी बोन गर्थ अच्छी हो, इसके फर अच्छे हो, और इसको चेविंग के लिए एक बोन दीजिए, ठीक है। और अभी हम इसको कोई लीज से अपन बांध नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और इसको हम सिंपल पेडिग्री अभी आता है, ये फूड है पेडिग्री, ये पेडिग्री दूध चावल और दाल को हम जैसे माइक्रोवेव वेव है हमारे पास, इस माइक्रोवेव में हम क्या करते हैं चावल और दाल को स्टीम कर लेते हैं। स्टीम करने के बाद पेडिग्री के साथ देते हैं, और भी पनीर थोड़ा बहुत देने लगे हैं, अब अंडा देने लगे हैं, एक अंडा दे देते हैं। मतलब इस तरीके के डाइट शेड्यूल हमने बना रखा है इसका भी, तो इसको फॉलो करना है, ठीक है।
और दूसरी बात ये है कि अगर आप सोचते हैं कि इसको अब कैसे ट्रेन करना है, तो ट्रेन करने के लिए कोई वरीड मत होइए, अपने पास रखिए 0 से 3 मंथ तक, प्रॉपर केयर करिए, प्रॉपर उसको प्यार करिए, जिसके कारण ये सोशलाइज हो जाएगा, थोड़ा बाहर टहलाने ले जाइए। और अब हम इस पर कुछ दिनों बाद हम इस पर एक चेन इसके गले में बांध देंगे। क्या है, अभी इसको अगर हम चेन से अगर घुमाएंगे तो ये चेन से नहीं घूमता है, इसको पसंद नहीं है चेन से घूमना, तो अब हम इसके कुछ दिन बाद इसके चेन में एक गले में एक चेन लगा देंगे और वो उसके साथ घूमता रहेगा खुद, तो उसके बाद आप उसको पकड़ लेंगे तो वो घूमता रहेगा। तो हम अभी तो इतना ही बता रहे हैं आपको कि हमें 0 से 3 मंथ में अपन खुद इसको अपने पास रखें जर्मन को, ये बहुत अच्छे एक सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, और जैसे ही ये थोड़ा बड़े हो जाएं तो फिर आप इसको जहाँ पास रखना चाहते हैं वहाँ रखिए, पर शुरुआती दिनों में इसको अपने पास रखिए। और भी वीडियो मैं इसकी बनाने वाला हूँ कि आप इसको कैसे ट्रेन करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक जेट ब्लैक जर्मन शेफर्ड था, मैंने उसको बहुत अच्छा ट्रेन किया था, तो अब मैं इसको कैसे ट्रेन करूँगा ये मैं आपको बताऊँगा। पर अभी ये 70 डेज़ का है, इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि आप इसके पास रहें, खूब ज़्यादा इसको प्यार करें सिम्बा को। अगर ये काटने की कोशिश करता है तो इसको मना करें कि सिम्बा ये गलत नहीं, सिम्बा नहीं, ये देखिए ये अभी ये सीख गया है। हाँ, हम लोग मारते भी हैं इसको, कि जब ये गलत करता है तो हम इसको मारते भी हैं। और जैसे यहाँ पास यूरिन कर दी, एक दिन जब शुरुआत में आया था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूरिन की भी कर देता था, तो हम उस वक्त मारते थे उसे और बाहर ले जाते थे। तो अभी ये चीज़ सीख गया है कि अंदर यूरिन नहीं करना, पोटी नहीं करना है और मिसबिहेव नहीं करना है। और सुबह और शाम इसको हम दौड़ाने ले जाते हैं, उसका भी वीडियो हम और अपलोड करने वाले हैं। और किसी जानकारी के लिए हमें कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।